तो लास्ट लेक्चर में जो भी असाइनमेंट्स मैंने दिया उसमें कुछ डिफिकल्टी है या स्टूडेंट्स? यस बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था? नो सर। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने टॉपिक स्टार्ट किया और फर्स्ट थिंग हमने सीखा कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है. एक्चुअली व्हेन यू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तो यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. तो आप जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालते हो असल में आप उस पॉइंट पे फंक्शन का, जिसका कर्व का फंक्शन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन का टेंजेंट फाइंड आउट करते हो. स्लोप ऑफ टेंजेंट, यू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट. ओके, सो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि उस फंक्शन थ्रू जो कर्व आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस कर्व का टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिलता है बाय डेरिवेटिव. अभी उसके बाद हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला देखिए क्या हो गया. इट इज नथिंग बट डी वाई अपॉन डी एक्स एट दैट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पता लगाया, उसका इक्वेशन कुछ और नहीं है, आपके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? वेरी इजी, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट. If two lines are perpendicular, minus one. ये स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक्स हमने रिमेंबर किए. अगर एक लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, एक्स एक्सिस या कोई भी लाइन उसको पैरेलल है, उसका स्लोप होता है जीरो. इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन द स्लोप इज नॉट डिफाइंड, और यू कैन से इट इज अ कॉन्स्टेंट अपॉन जीरो. पैरेलल लाइंस होंगे तो स्लोप्स इक्वल, परपेंडिकुलर लाइंस होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज माइनस. उसके बेसिस पे हम लोग ने तीन चार एग्जाम्पल किया. ये एक आध होमवर्क मैंने दिया हो, शायद आया हो. क्वेश्चन नंबर फाइव हमने डिस्कस किया था, और भी कुछ पॉइंट्स है, विल डिस्कस दैट. अभी आज मैंने वैसे ग्रुप में देखो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के जो होमवर्क थे उसके भी सॉल्यूशन सॉल्व करके मैंने भेजे हुए, तो यू कैन क्रॉस चेक कि अगर आपकी कहीं कोई गलती है तो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक विद दैट. तो 1.3 और 1.4 का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशंस भेजा हुआ है. किसी को और कोई भी डाउट है एक्स वाई जेड वो पूछ ले, पहले वो समझा दो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं. यस, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट कैन फर्स्ट आस्क मी एंड देन आई विल स्टार्ट. श्योर किसी को कोई भी डाउट नहीं है? सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द लाइन टचेज द कर्व, ये वर्ड टचेज द कर्व का मतलब इज अ टेंजेंट टू द कर्व. ओके, एट द पॉइंट 2, -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो बेसिकली सिंस 2, 3 लाइज ऑन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस बी इसका मतलब होता है 9 इज इक्वल टू 8a प्लस बी. ये एक इक्वेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है. इफ आई गेट जस्ट वन मोर इक्वेशन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी. देन स्लोप ऑफ टेंजेंट y is equal to 4x minus 5 at 2,3 equals to 4. ये आपको देखो कैसा दिख रहा है y is equal to mx plus c की तरह. तो ये जो m है ये आपका स्लोप डायरेक्टली मिल जाता है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आपको पता है. डिफरेंशिएट इक्वेशन y square is equal to ax cube plus b with respect to x. इसके डेरिवेटिव 2y square 3a x square b कांस्टेंट है उसके डेरिवेटिव 0. सॉरी मिस्टेक हो गया. dy by dx 2y dy by dx that is equal to 3a x square. So the value of dy upon dx is equal to 3a x square upon 2y. Okay. Now, what is slope of tangent at 2,3? Is dy upon dx at the point 2,3. That means 3a into 2 square upon 2 into 3. Solving this, you get the answer as 2a. But already aapne slope of tangent kya nikala hua hai? 4. This implies 4 is equal to 2a and this implies the value of a is equal to kitna? 2. Ab a ki value mil gayi. Put in 1. To aapko kya mila? 8 2 za 16 plus b is equal to 9 or in other words the value of b is equal to minus 7. Dekh lo ekdam aasan sa question. है आपको के लिए. ओके तो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? y इज इक्वल सबसे पहला ये 0.2,3 से कर्व पे है तो हमने सब्स्टिट्यूट किया एक इक्वेशन मिल गया. इट्स ओके. अब टेंजेंट का इक्वेशन दिया है तो मुझे उसका स्लोप मिल जाएगा. इक्वेशन ऑफ कर्व दिया उसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट किए. स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी है लेकिन हमको पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए 2,3. तो ये वैल्यू x के जगह 2 y के जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया और मुझे कर्व का टेंजेंट का स्लोप मिला 2a. लेकिन टेंजेंट की स्लोप ऑलरेडी आपने ढूंढ के रखा है 4. ये 4 और ये 2a दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल. कंपेयर किया a की वैल्यू मिल गई. a का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो आपको b का वैल्यू आ जाए. आई एम श्योर जितना अभी तक हमने किया कोई ज्यादा मुश्किल आपको नहीं होना चाहिए. अब अगला चीज है रेट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रेट. नाउ रेट मींस एट व्हाट स्पीड something is moving, something is changing. And usually ये जो speed होता है या rate होता है आप compare करते हो with respect to time. Okay? With respect to time. तो अगर कोई भी particular चीज नहीं mention किया है
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सपोज वाई किसी ने पूछा, तो इसका मतलब है सिंपली डीवाई अपॉन डी टी. लेकिन समटाइम्स टू कंफ्यूज यू दे विल आस्क यू व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. दैट इज नथिंग बट योर डीवाई अपॉन डी एक्स ऑन. तो dy by dx असल में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x है. तो ये रेट ऑफ चेंज भी हो गया. अगर विद रेस्पेक्ट टू मेंशन नहीं किया है तो आप समझ जाओ कि द पैरामीटर दैट यू आर गोइंग टू टेक इज टाइम. अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि रेट किससे फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैरामीटर टेकन इज T. Few things we already know, जो हमें पहले से ही पता है वो है स्पीड. ds अपॉन dt, जिसको आप वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखा. एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. टी असल में आपको पता होना चाहिए, इट इज dv अपॉन dt, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज d स्क्वेयर s अपॉन dt, टी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, समवन आस्क यू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. That is simply dv upon dt, where v stands for volume. Rate of change of area pucha. Okay. Rate of change of area. That is simply dA upon dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एरिया पूछ दिया, तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स. कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एरिया इज नथिंग बट डी वी अपॉन डी ए. पैरामेट्रिक फंक्शन याद करो. तो रेट फाइंड आउट करने का सिंपली मतलब है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना. सिर्फ पैरामीटर हमको सही डिसीजन लेना होगा, कौन सा पैरामीटर चाहिए. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू द क्वेश्चन. अगेन फॉर्मूला देख सकते हो, कुछ भी नया नहीं है. इट इज सिंपली इंडिकेटिंग यू व्हाट, फाइंड डेरिवेटिव. और डेरिवेटिव हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. बट जो रियल प्रॉब्लम यहां पर आप फेस करोगे, दैट इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट वॉल्यूम. आई एम श्योर 10वीं आपने पढ़ाई किया है, मेंसुरेशन चैप्टर था, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, आपने कई चीजें पढ़ी है. कई शेप्स होते हैं, स्फीयर होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, देन सिलेंडर होता है, बरोबर. फिर देन दैट शेप इज देयर व्हाट यू कॉल ये क्यूब इज देयर, क्यूबॉइड. हाँ, क्यूबॉइड है, क्यूब है, स्फीयर, पता नहीं वो एक आध नाम मैं भूल जा रहा हूँ. हेमिस्फीयर, ठीक है, जाने. अब उन सब के नाम तो हम लोगों को पता होने चाहिए. नाम के साथ साथ उनका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम, उनका हाइट, रेडियस, आपस में जितने भी रिलेशन है वो भी हमको बताना चाहिए. वो हमारे सिलेबस में ट्वेल्थ में नहीं है. ये लोग सोचते हैं कि बच्चों को सब याद होएगा. हाँ, तो जिसने टेक्सटबुक लिखा उसको क्या लगता है ना, बच्चे लोग को सब याद रहता है. दे आर बिग फूल्स, दे शुड गिव द फॉर्मूलाज एज वेल, है ना.
नहीं यस सर। सही है कि गलत है? सर थोड़ा तो आता रहेगा ना हम लोग को भी, पूरा नहीं भाई, ये उनको लगता है पूरा आता है, जितना पढ़ा सब आता है। आता है याद कर लेंगे एक बार भी। लेना लेना सर उनको। चलिए ओके। तो एज ए स्टूडेंट उनका एक्सपेक्टेशन अपने जगह सही है और स्टूडेंट होना अपने जगह सही है। तो देयर एक्सपेक्टेशन इज कि एज ए स्टूडेंट यू पीपल आर वेरी गुड, हार्ड वर्किंग, एंड आपको जो पढ़ाया जाता है आप याद रखने की कोशिश करते हो। तो विद द एजम्पशन, अब मैं भी वही एजम्पशन लेता हूं कि आप लोगों को याद है, एंड आई विल प्रोसीड अहेड। ठीक है डियर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 8। सेवन में सेवन क्वेश्चन रह गया। हाँ नहीं किया वो वाला। अच्छा, ओके फाइन फाइन। तो सबसे पहले आप उन सेवन करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट यू हैव टू डू इज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो इंफॉर्मेशन है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मूव्स 8 टाइम्स फास्टर, ओके एज फास्ट एज 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। एनीवन अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब है कि जो वाई कोऑर्डिनेट का रेट है dy अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx अपॉन dt। यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड इट इज हैपनिंग एट विच कोऑर्डिनेट। So, basically, since what they have given is equation of curve 6y, 6y is equal to x square plus 2, x square plus 2, ये दिया हुआ है। अब इसके डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू टी, इससे करना है टाइम से, ध्यान रखना। मालूम पड़ा आपने इक्वेशन बहुत इजी देखा, एक्स से कर दिया, हो गया कल्याण दोबारा। 6 डी वाई अपॉन डी टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डी एक्स अपॉन डी टी कंपोजिट फंक्शन है, 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, 6 और 2 में से 2 कट गया 3 बचा। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है? 8 dx अपॉन dt इक्वल्स टू x dx अपॉन dt। एक्चुअली यू राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 2 और ये इंफॉर्मेशन नंबर। तो ये जो आपने लिखा वो कहां से लिखा? फ्रॉम 1। अब dx अपॉन dt आपस में हो गया कैंसिल, आपको क्या मिला? 8 3 सा 24 इज इक्वल टू x। ऑलराइट, x इज इक्वल टू 24। Now, once you get the value of x, put in 1. Put in 1. Okay. 6y. 24 square plus 2.
उससे भी मिस्टेक हो रहा है। एक मिनट, एक टाइम्स एस फास्ट ट्रांसफर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ट्वेंटी फोर स्क्वायर कितना होता है? 576 ना, 6y, 576 प्लस 2, 578, दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ y इज 576 का हाफ 2 8 अपॉन 3। ये 3 से जाता है क्या? नो, आई डोंट थिंक सो। 289 सॉरी, ये जरा आंसर चेक करो ना, पता नहीं मुझे कुछ तो भी इसमें गड़बड़ लग रहा है। 4.11 दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2। हाँ, अरे पुट इन 2 ही करना है, वो राइट है। आंसर जा पीछे चेक करो, इज इट 24 कॉमा 289 अपॉन 3? 4.11 ना। Where have I done wrong? Sir. Sir. हाँ बोलो। Sir, जो curve दिया 6y equals to x raise x cube plus 2 लेंगे तो answer आ सकता है। x square ना लेके x cube। Yes sir, उसमें correction है। इसमें? नहीं, वो question में correction है। x cube है होगा। x square dx upon dt. So x square is equal to 16 implies x is equal to plus minus 4. There are two options now. Abhi aaya, right? So this was a printing mistake. Now, if x is equal to plus 4 implies y is equal to 4 cube hota hai 64 plus 2 upon 6, that is 11. If x is equal to minus 4 implies y is equal to minus 64 plus 2 upon 6, or it is minus 31 upon 3. Therefore, required point is 4.11 or minus 4, minus 31 upon 3. Okay, that is the correct point. Yahan pe printing mistake hai, जो आप लोग को अपने बुक में रेक्टिफाई करना है। ये 6y इज इक्वल टू क्या लिखना है? x क्यूब लिखना है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 8,
देखो यहाँ पे क्या दिया, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि जो रेडियस है उसका रेट ऑफ चेंज क्या दिया है, डी आर अपॉन डी टी, दैट इज गिवन एज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट वॉट रेट द सर्फेस एरिया इज इंक्रीजिंग वेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेट एट विच द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले क्या करो आप, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो. ये स्फीयर है ना, तो स्फीयर का फॉर्मूला याद है, 4 pi r square. इज इट ओके? नाउ फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, differentiating with respect to time, dA upon dt ho gaya, 4 pi r square ka derivative 2r composite function hai, isliye dr upon dt. ab jo jo values aapko pata hai substitute karo, 4 2 za 8 pi, r is equal to 5 and dr upon dt is 0.02. on simplification we'll get 8 pi za 40 into 2 80 decibel ek shift hoega to 0.8 pi. सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो दिस इज योर आंसर, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू दिस. ओके, I hope so. This was quite easy. दिक्कत नहीं आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो इस बार आपको दिया है कि सर्फेस एरिया इज इंक्रीजिंग, डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू दिया है एंड दिस रेट ऑफ इंक्रीज इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नाउ एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट, डी वी अपॉन डी टी क्वेश्चन मार्क, और रेडियस जो है वो आपको दिया है 6 सेंटीमीटर. वी कैन डू वन थिंग, एक नया तरीका और देख लो. यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो आपको डी ए अपॉन डी टी क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 8 पाई आर, आर स्क्वायर का 2 आर, डी आर अपॉन डी टी एंड डी वी अपॉन डी टी 3 स्क्वायर, तो 3 और 3 कैंसिल, 3 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी. अब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को फायदा क्या है, डी आर अपॉन डी टी कट जाएगा, अदरवाइज मुझे डी आर अपॉन डी टी भी निकालना पड़ेगा. सर 4, हाँ वही, सॉरी 3 कट हो गया, बचा 4 है भाई, इधर गया पेन. ठीक है ना, अब डीवी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो 4 पाई आर स्क्वायर,
डी आर अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय 8 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। ये डिवाइड करके ढूंढने का फायदा क्या, मुझे डी आर अपॉन डी टी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इंप्लाइज जो जो वैल्यूज होता है डी वी अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू है 2, सामने बचेगा आर अपॉन 2, करेक्ट ना, रेस्ट एवरीथिंग इट्स कैंसल। सो डी वी अपॉन डी टी, ये 2 और 2 कैंसल, आर की वैल्यू क्या है 6, लेकिन वॉल्यूम का याद करना सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? सैवियो है ना क्लास में तुम? सुनाई नहीं दे रहा है? यस सर। क्लियर? हाँ सर, समझ रहा है। कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं सर। सिद्धार्थ आप हो कि नहीं क्लास में? सिद्धार्थ गायब? नहीं है। क्वेश्चन 10, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन द साइड ऑफ द लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल में लेट अस से साइड का वैल्यू है a, तो हमको डी ए अपॉन डी टी कितना दिया है? √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये साइड को मैं एस लिख देता हूं, आई होप सो दैट विल बी बेटर ना। डी एस अपॉन डी टी इज √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है व्हाट इज द रेट एट विच द एरिया चेंजेस। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें तीनों साइड सेम होते हैं, एस एस। जो हाइट है That is equal to √3 upon 2 the side. Is it okay? So, area of an equilateral triangle का formula है √3 upon 4 side square. ये formula कितने इनको मालूम था? नहीं मालूम। Yes sir. Area का formula है half base into height. यानी कि 1 upon 2 into S into height की वैल्यू √3 upon 2 S. So the answer is √3 upon 4 side square. तो ये proof करके नहीं दिखाना है, ये मैंने सिर्फ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया। So अब अगर मैं इसे differentiate करूं with respect to time, तो what I'll be getting is dA upon dt is equal to √3 upon 4 into s square का derivative 2s ds upon dt composite part। जो जो value पता है डालो, da upon dt हमको ढूंढना है, okay? 2 and 2 cancel, बचा कितना √3 upon 2 multiplied by s की value कितना है 3, और ds upon dt की value कितना है √3 into √2 होता है √6। So the correct answer is 3 upon 2 root of 6 centimeter square per second. That completes your answer. देखो, हर जितना भी क्वेश्चन हमने किया मेथड सेम रखा, सिर्फ
फॉर्मूला जो है एरिया का वॉल्यूम का दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. बाकी तो डेरिवेटिव अपन जैसे पहले किए वैसे अभी भी है. ओके डियर, व्हाट यू पीपल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर इज ऑल द ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला दैट यू पीपल हैव स्टडीड इन योर 10th स्टैंडर्ड. दसवीं में जितना भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं वो याद करिए, फॉर्मूला लिखिए, उसका डेरिवेटिव लिखिए, आगे आंसर. और डेरिवेटिव आप देख लो, जो डेरिवेटिव हमने चैप्टर में पढ़ा था और डिफिकल्ट था, ये तो एकदम इजी इजी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलीनोमियल्स के सिंपल सिंपल पॉलिनोमियल्स के डेरिवेटिव आप कर रहे हैं. सो आई थिंक यू ऑल शुड फाइंड इट टू बी इजियर टॉपिक देन डेरिवेटिव. क्वेश्चन नंबर 11 देख लो क्या दिया. द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, द वॉल्यूम इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. दैट मीन्स dv upon dt is equal to 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of surface area when the radius is 5 centimeter. Radius is 5 centimeter. हमसे पूछा है what is dA upon dt. एक question मैंने already इस nature का किया है. So I am leaving this as homework and you can refer to question number 9. Okay? Kali ulta kar diya hai. DV diya hai, DT pucha hai, DA pucha hai. Okay? Isme ulta diya tha. So refer to question number 9. For reference, what you can say, refer question 12th देख लो क्या दिया. The edge of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeters per second. ds upon dt is, अगर आपको वो increase decrease दिखाना है तो आप लिख सकते हो -0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है. फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर. एज ऑफ द क्यूब 2 सेंटीमीटर. हमसे पूछा है व्हाट इज द रेट एट विच द वॉल्यूम डिक्रीजेस, dv अपॉन dt. राइट, तो आई एम श्योर आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम जो है ऑफ अ क्यूब इज एस क्यूब. सो द फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव किया आपने, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू 3a² डीएस अपॉन डीटी. जो भी वैल्यूज पता है डाल दीजिए. That is equal to 3 into s का वैल्यू है 2 और ds upon dt का -0.6. -12 into -0.6. 12 6 are 72, 7.2 centimeter cube per second. Therefore, you can say the volume decreases at the rate of 7.2
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. डिक्रीजेस वर्ड का मतलब माइनस होता है, तो माइनस अगर लिखे तो डिक्रीज नहीं लिखने का, डिक्रीजेस लिखे तो माइनस नहीं लिखने का. ये वर्ड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव या नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, वाइस वर्सा. तो जब आप इक्वेशन में लिखते हो तो डिक्रीजेस के बजाय हम वर्ड में नहीं लिख सकते तो माइनस साइन डाल देते हैं, लेकिन जब वर्ड में लिखते हैं तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, उसमें आप डिक्रीजेस करके ऐसे लिखते. इंक्रीजेस है पॉजिटिव, डिक्रीज है नेगेटिव. तो यू हैव टू यूज द वर्ड प्रॉपरली. और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन का मतलब पता होना चाहिए. पॉजिटिव का मतलब कोई भी चीज इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब कोई भी चीज डिक्रीज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 13. अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 kilometers पर आवर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट 6 meters हाई. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. तो मैन जो है, अभी यहां पे पहले तो डायग्रामेटिकली समझो, ये लैंप पोस्ट है और ये बंदा हॉरिजॉन्टली ऐसे आगे बढ़ रहा है. इस पर्सन का हाइट जो है टू मीटर्स है, समवेयर द पर्सन इज स्टैंडिंग, लेट अस से. So, let us say, ये पर्सन है ए बी और ये लैंप पोस्ट है ए डैश बी डैश. इस पर्सन का हाइट कितना है 2 meters. जो लैंप पोस्ट है, the lamp post जो है 6 meters हाई है. ये पर्सन दूर जा रहा है. अब ये इसका शैडो है, ये जो है ये इसका इधर शैडो बन रहा है. लेट अस से पॉइंट सी, तो ए सी इज द शैडो. लेट अस से दिस इज एक्स, दिस लेंथ इज वाई. ये आदमी आगे बढ़ रहा है, ये वाई की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली. जो शैडो गिर रहा है ना, अभी यहां से लाइट आ रहा है तुम्हारे ऊपर जाएगा तो तुम्हारा शैडो कैसा दिखेगा, सामने बॉटम नीचे जमीन पे दिखेगा, है ना. लाइट जहां पे आके टच करेगा तो आपका शैडो उतना दूर रहेगा. आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे शैडो का लंबाई क्या होगा, बढ़ती जाएगी, करेक्ट ना. तो अपने से पूछा है कि अगर ये पर्सन वॉक कर रहा है किस रेट पे, तो ये शैडो का रेट क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, राइट. तो लेट अस एज्यूम दैट कि हमको ना dy अपॉन dt दिया हुआ है. dy अपॉन dt हमको क्या दिया है, मेंशन किया है. द मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ व्हाट, 6 kilometers per hour. AB is equal to 6 meters, 2 meters, the man's height. A dash B dash, lamp post की height है 6 meter. हमसे पूछा है जो shadow है उसका rate of change क्या है, rate of shadow. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ शैडो, क्वेश्चन
क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? देखो यहाँ पे ना एक खंबा है लाइट का, और आप समझ लो एक पर्सन है वो इस खंबे से दूर जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उस ये आदमी की हाइट है। अब ऑब्वियसली खंबे से जो लाइट आ रहा है उस आदमी को लगेगा, तो इतने दूर पे लाइट ब्लॉक हो गई तो उसका जमीन पे क्या बनेगा, शैडो बनेगा। अब आदमी जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे शैडो की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो अपने से पूछा है कि जब ये आदमी 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आगे बढ़े जा रहा है तो उसका शैडो कितने स्पीड में चेंज होगा। आई एम गेटिंग दैट, ये अपने से क्वेश्चन पूछा। फाइन, चलिए लेट्स सी। सबसे पहले आपको यहां पे देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करना चाहिए, क्योंकि ये भी इरेक्ट है और ये भी इरेक्ट है और ये एंगल कॉमन है, तो दो एंगल 90 और एक कॉमन, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। हमको वो सब बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल से, इस ट्राइंगल सी ए बी इज सिमिलर टू, सिमिलर का ये सिंबल है, ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश। कैसे सिमिलर आया, देखो एक एंगल 90-90 कॉमन हो गया इक्वल, और दूसरा एंगल कॉमन है एंगल सी। अगर दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल है देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलैरिटी टेस्ट हो गया। कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एंगल और एंगल सेम है तो सिमिलर होता है ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी ए डैश। एम आई राइट? द रेशियो ऑफ सिमिलर साइड्स आर इक्वल। ए बी वैल्यू आपको पता है 2 meters, ए डैश बी डैश की वैल्यू 6 meters, सी ए इज एक्स और सी ए डैश इज एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3x। दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 2x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 dx अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आपको दिया है, पर्सन का वॉकिंग का रेट है 6, 2 times dx बाय डी टी। सो द शैडो इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3 kilometers per hour। Is it okay? Shadow is increasing at the rate of 3 kilometers per hour. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। ये शैडो वाला किया ना कभी भी, ये डायग्राम ध्यान से देख लेना, उसके बाद ये पूछा क्या है, ये बहुत गड़बड़ करते हो लोग। What they have are, that will keep on changing and that's where you have to be careful. Okay. Agar rate of shadow ke bajaye rate at the which the tip of the shadow is moving, to ye dx plus y upon dt ho jayega. Ye x ke bajaye kya ho jayega? X plus y. Dhyan se dekhna. Rate of increase of shadow ke bajaye ka rate of increase of tip of shadow de diya. Tip word dal diya. To ye x के बजाय x प्लस वाई हो जाएगा। चलिए देखते और भी कोई क्वेश्चन वैसा मिला तो। एनी अदर क्वेश्चन इन दिस? सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बाकी आप देख लो, इसमें बहुत इजी है, डेरिवेटिव वेरी सिंपल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ज्यादातर बच्चों को आता है। ओके
let's see. Question number 14. A man of height 1.5 meter walks towards the lamppost. इस बार दूर नहीं जा रहा है, क्या आ रहा है? Towards आ रहा है. Find the rate at which his shadow is shortening. Okay? तो इस बार वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन डालना है, बाकी सब वही है. ओके, तो दिस टाइम, और इसका टिप भी दिया है, देखो टिप वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें आ गया है, तो डायग्राम तो वही रहने वाला है. Let us say this is AB and this is A dash B dash. ये 90 और ये 90. आप इसको X कर लो, इसको Y. ये person इस बार move कर रहा है तो X की value decrease हो रही है, तो इसलिए जो dx upon dt आपको दिया है वो है 3/4 meters per second. जो छह जन गए ना उनका नाम लिखा होगा, जो छह जन छोड़ के गए, 10 names, दो बार लेना था. तो अटेंडेंस किधर है? दोनों अटेंडेंस मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं चेक कर दूँ. Then, इस बार height of the man कितना दिया है? 1.5 meters. Height of the lamppost 4.5 meters. Find the rate at which the shadow is shortening dy upon dt and the rate at which the tip of shadow is shortening. ठीक है ना? तो shadow का shortening, rate of shortening of shadow and rate of tip of shadow, the rate of decrease of tip of shadow. Fine, चलिए, let's see. Then, again, triangle CAB is similar to triangle CA dash B dash. Again, same thing. Angle 90-90 है और दूसरा एक angle common है. Use the same concept. You are getting AB upon A dash B dash is equal to CA upon CA dash. AB का value 1.5, ये हो गया 4.5, x upon x plus y. On calculation you are getting x plus y is equal to 3x
y is equal to 2x. That implies dy upon dt is equal to, okay, 2 dx upon dt. So you can say my that is equals to two into minus 3/4. यहाँ पे एक मिस्टेक है, सॉरी, सी ए इज वाई, मैंने गलती से एक्स ले लिया. ओके, सो दिस बिकम्स व्हाट, थ्री वाई और टू वाई इज इक्वल टू एक्स. सो टू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. और dx अपॉन dt की वैल्यू है माइनस 3/4. सो dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 3/8 मीटर्स पर सेकेंड. मैंने x और y यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया था, सो आंसर ऑल्सो शुड हैव चेंज्ड. देयरफॉर द शैडो shortens at the rate of three upon 8 meters per second. अब आ जाओ टिप ऑफ शैडो पर, रह गया ना डी बाय डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, इट इज सिंपली डी एक्स अपॉन डी टी dy upon dt. हमने दोनों ही ढूंढ लिया, dx upon dt है minus 3/4 and this is minus 3/8 equalizing the denominator minus 6/8 minus 3/8, so it is minus 9/8 meters per second. Therefore the tip of shadow is moving at rate of 9/8 meters per second. Is it okay? Question number next is 15. ध्यान से देखो. A ladder of 10 meter long is leaning against a vertical wall. The bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meters per second. Find how far the top of ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meters away from the wall. Again, अब ये question जब समझना है तो पहले एक वॉल ड्रॉ कीजिए
ये जमीन है और ये आपका लैडर है, ए बी सी। ये लैडर जो है 10 मीटर का है, लैडर से ये एक्स है और ये वाई है। अब आप इस सीढ़ी पे ऊपर खड़े हो गए गलती से और आपका बदमाश दोस्त ने सीढ़ी खींच दिया, तो सोचो क्या होगा। ये आपका दोस्त सीढ़ी दूर दूर खींच रहा है, ये एक्स बढ़ते जा रहा है, ये वाई क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो पूछा है कि ये एक्स का रेट दिया है तो ये वाई का रेट क्या होगा। ध्यान रखना इस पे एक इंक्रीज हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है। फर्स्टली जो वैल्यूज दिया है वो देख लो। तो इस बार आपको ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर्स। द बॉटम इज 6 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ए सी दैट इज एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर्स। dx upon dt, द रेट एट विच बॉटम इज पुल्ड अवे पॉजिटिव है, इट इज 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग इज वॉट इज dy by dt, यस कोई बच्चा बता सकता है क्या करना चाहिए इसके अंदर? एनी चाइल्ड? यस बच्चा लोग, अरे तुम लोग है कि नहीं रे बाबा? पाइथागोरस थ्योरम है इसका मतलब। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, ओके, और आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, राइट दिस एज 1। अभी x की वैल्यू कितना दिया है, 6, 6 का स्क्वायर 36, y स्क्वायर इज 100, दैट मीन्स y स्क्वायर इज 64, सो y का वैल्यू 8 मीटर्स। एक चीज मिला, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आपको रेट चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx अपॉन dt, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dt, 100 जो है कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। रीअरेंज किया तो dy अपॉन dt का वैल्यू आपको मिलता है माइनस x अपॉन y dx अपॉन dt। जो जो वैल्यूज मालूम है वो डालते जाओ, एक्स का वैल्यू आपको मालूम है 6, वाई का वैल्यू आपको मालूम है 8, और ये है 1.2, राइट। नाउ 8 मतलब 4 इंटू 3 सा एंड 2 इंटू 3 0.9, सो द आंसर इज माइनस 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। Therefore, what you can say, the top of ladder, okay, goes down at the rate of 0.9 meters per second. Therefore, top of ladder slides down at the rate of 0.9 meters per second. That's your answer.
स्लाइड्स डाउन, ये डाउनवर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वाई का वैल्यू कम हो रहा है. ओके, आई होप सो. सिंपल था ना पाइथागोरस थ्योरम, तुम लोग को तो ऐसे ही आता है. इससे अच्छा और फॉर्मूला कोई आता नहीं रहेगा मेरे को लगता है. तो एक्स का वैल्यू दिया था, वाई का निकाल लिया. इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, जो वैल्यू मालूम है सब्स्टिट्यूट, गेट योर आंसर. और ध्यान से देख लो, द नेगेटिव साइन वॉज इंडिकेटिंग वाई इज डिक्रीजिंग, पॉजिटिव साइन यहां पे इंडिकेट कर रहा था एक्स वॉज इंक्रीजिंग. ये सब ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 16, इफ वॉटर इज पोर्ड इन टू एन इनवर्टेड हॉलो कोन. हाँ, ये कोन का नाम मैं भूल गया. तो हॉलो इन्वर्टेड कोन है, हूज सेमी वर्टिकल. आई एम श्योर आप सब लोग जानते हो कोन क्या होता है. आइसक्रीम तो बहुत खाए अपन, और ऐसा कोन में रहता तो और अच्छा लगता है. ये इसका सेंटर पकड़ लो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया. थर्टी डिग्री दिया है. ओके, लेट अस से ओ जॉइन दिस. ये रेडियस ऑफ बेस हो गया, ये हाइट हो गया, इसको अपन बोलते हैं स्लैंट हाइट. ये हो गया तुम्हारा स्लैंट हाइट, राइट. ये हो गया आपका कोण. अब क्या क्या डेटा दिया है पहले उसको यूज करो अच्छे से. तो वॉटर इज पोर्ड इन द इनवर्टेड हॉलो कोन हूज सेमी वर्टिकल एंगल. पहला डेटा आपको सेमी वर्टिकल एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया है. इट्स डेप्थ मेजर्ड अलोंग द एक्सिस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. डेप्थ यानी कि डीएच अपॉन डीटी जो है, डीएच अपॉन डीटी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वॉटर इंक्रीजेस व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर. एच कितना है? 2 सेंटीमीटर. हमसे पूछा है कि वॉल्यूम जो है वो क्या है. ओके, सबसे पहले यहां पर स्लैंट हाइट की तो जरूरत नहीं है, वो सरफेस एरिया रहता तो उसमें आता था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको R और H का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो आप ये डायग्राम के अंदर देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. दैट इंप्लाइज tan थीटा की वैल्यू कितना है? tan 30 डिग्री. That is equal to R upon H. So tan 30 is 1 upon root 3. That is, कौन कौन गया नाम लिखे आओ मेरे पास. ये है ना ठीक अटेंडेंस. See, many students have left, उनका अटेंडेंस मैंने लिया. आज मैं कॉल करके तुम लोग से बात करता हूँ कि तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है. तो जो बच्चे मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं ना, I'll take care of them. अभी तक कुछ बोल नहीं रहा था. Now I have to just think about it seriously. ये h upon root 3 meters हो गया. तो before starting the problem, सबसे पहले r और h का relation establish करो. अभी देख लो, volume का formula है 1 upon 3. Sir, h की value दी है.
एच की वैल्यू दिया है ना 2 सेंटीमीटर, वो मैं लास्ट में करता हूं, मैं बताता हूं। अभी इधर देखो, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट यू गेट इज डीवी अपॉन डीटी, सॉरी इसको अभी डिफरेंशिएट मत करो, क्योंकि देखो एक पैरामीटर जो है रेट उसका नहीं पता है आपको, डीएच अपॉन डीटी पता है लेकिन डीआर अपॉन डीटी नहीं मालूम है ना। तो आप क्या करो, इसमें से आर को गायब कर दो, और उसके लिए आपने देखो यहां पे फॉर्मूला ढूंढ के रखा है, आर इज एच अपॉन रूट थ्री स्क्वायर इनटू एच, रूट थ्री स्क्वायर होता है थ्री, तो ये फॉर्मूला हो गया 1/9 पाई एच क्यू। अब इसका डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी का होता है डीवी अपॉन डीटी, वन अपॉन नाइन पाई एच क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एच स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन का डीएच अपॉन डीटी, थ्री थ्री कैंसिल, पाई अपॉन थ्री इंटू एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू आपको पता है टू स्क्वायर, डीएच अपॉन डीटी आपने देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है वन, सो योर आंसर इज 4 pi upon 3 centimeter cube per second. So the volume of the liquid increases at the rate of 4 pi upon 3 centimeter cube per second. ध्यान से देख लो क्या क्या दिया था, पहले कोन है सेमी वर्टिकल कोन, इन्वर्टेड रखा है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री दिया था, डेप्थ यानी कि जो हाइट है वो इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 1 centimeter per second. हाइट जब 2 सेंटीमीटर है एट दैट टाइम वॉल्यूम का रेट क्या है वो पूछा है, तो टैन थीटा का वैल्यू आर बाय टू है, आर बाय एच है, ये देख लो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, टैन थीटा इज अपोजिट आर अपॉन एच, थीटा की वैल्यू 30, टैन 30 इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, आर की वैल्यू एच बाय रूट थ्री, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा 1/3 pi r² h. देखो इसमें तीन तीन वेरिएबल हो गया, पाई आर और एच, नॉर्मली यू विल हैंडल ओनली टू वेरिएबल्स, तो एक वेरिएबल गायब करना था उसके लिए ये रिलेशन हमने यूज किया, ओके ये जो इक्वेशन है इसका हमने यूज किया फ्रॉम वन, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन हो गया 1/9 pi h³। अब इसका डेरिवेटिव निकाले, v का dv अपॉन dt, h³ का 3h² dh/dt, 3 3 gets cancelled, 5/3, h की वैल्यू 2, dh अपॉन dt की वैल्यू 1, ऑन कैलकुलेशन 4 pi/3 इज द करेक्ट आंसर, इज इट ओके? यस डियर, ठीक है ना? यस यस सर, कुछ डाउट किसी को? नो सर। ओके बच्चे लोग का आवाज एकदम थका हुआ आ रहा है, इतना टायर्ड हो गए अभी से, ये एक्सरसाइज हो गया क्या खत्म? यस सर यस सर चलिए जल्दी खत्म हो गया। अभी अगला जो एक्सरसाइज है वो काफी आसान है, अप्रोक्सीमेशन। सर सिलेबस में नहीं है ना? देखो हम लोग नॉर्मली आदत है कैलकुलेट, सर अप्रोक्सीमेशन अच्छा तुमको पढ़ना नहीं है, मतलब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एक दो खाली क्वेश्चन करूंगा, पूरा नहीं करूंगा, ओके आई जस्ट कंप्लीट वन और टू ताकि
आप लोगों सिर्फ एक हिंट रहे कि कैसे करते हैं सर, रोल्स थ्योरम भी नहीं है हाँ मालूम है, रोल्स थ्योरम भी नहीं है, फिर वो एलएमवीटी भी नहीं है ना, लैग्रैंजियन मीन वैल्यू थ्योरम भी नहीं है। ये चैप्टर मैक्सिमम तुम लोगों को ओमिट है तो लेट्स सी। चलिए तो लेट अस कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक अप्रोक्सीमेशंस। So the next topic that we are starting in this chapter is approximations. So approximation में basically पहले तो आपको पता होना चाहिए था कि इसका theory क्या है। See this, we all know f dash a का definition आप क्या लिखते हो, equal to limit h tends to zero f of a plus h minus f of a upon h. If we remove the limit, then f dash a is approximately equals to f of a plus h minus f of a upon h. Keep one thing in mind, h की value small होने चाहिए। That implies h into f dash a is approximately equals to f of a plus h minus f of a. Transferring f of a on one side, f of a plus h की value is approximately equals to f of a plus h f dash of a. आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर मुझे f of a plus h की वैल्यू चाहिए तो I need f of a and f dash of a. तो ये जो जजमेंट है ना वही सबसे बड़ा हेडेक होता है। ओके, वंस यू आर एबल टू जज द वैल्यू ऑफ f of x a and h थ्री थिंग्स, उसके बाद फिर आपके इस टॉपिक में कुछ है नहीं। तो लेट अस सी एक्सरसाइज 2.2। एज यू कैन सी एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पांच क्वेश्चंस दिया हुआ है। आई डू जस्ट वन ऑफ देम। क्वेश्चन वन में तो आई डू क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेशन आसान है। यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 28। ओके, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, वो जो 28 है उसके बदले क्या लिख दो आप, एक्स। आपको जो वैल्यू ढूंढने बोला है ना उसको एक्स डाल दो, बस दैट्स ऑल। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 8.95, तो आप क्या लिखोगे, रूट एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखने का, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, फोर्थ में एक्स रेज टू फोर, और फिफ्थ में क्या, एक्स क्यूब। दैट्स वेरी सिंपल। देन वंस यू आर एबल टू फाइंड एफ, अगला पार्ट होता है फाइंड एफ डैश एक्स। तो जिसको ये जजमेंट हो गया उसके लिए डेरिवेटिव ढूंढना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 एक्स रेस टू 1/3 का माइनस 1 किया तो माइनस 2 अपॉन
लेट ए इज इक्वल टू, अभी ए क्या है, आपको चाहिए क्यूब रूट ऑफ 28। अब 28 के नजदीक ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका रूट तुम लोग को आता है, क्यूब रूट 27। तो आपका ए जो है वो 27 होगा। समझ में आया कैसे लिया आपने? एच की वैल्यू, आपका वैल्यू है 28, ए कितना है 27। जो वैल्यू ढूंढना है उसमें से ये वैल्यू माइनस कर दो, आपको एच का वैल्यू मिलता है, ए मिला एच मिला। फाइंड एफ ऑफ ए, दैट मीन्स एफ ऑफ 27, एफ ऑफ 27 मतलब क्यूब रूट ऑफ 27, ये तो पहले से ही आता है तुम लोग को। एफ डैश ए निकालो, एफ डैश 27 फाइंड आउट कर लो, 1/3, 27 टू द पावर -2/3, 1/3, 27 मतलब 3 क्यूब होता है, -2/3, 1/3, 3 raised to -2, okay, 3 गया, 3 raised to -2, so the final answer is 1/27. Now, f of a plus h का formula use करो, f of a, h f dash of a. A plus h is nothing but 28. Approximately equals to f of a का वैल्यू देख लो आपने ढूंढ के रखा है 3, h का वैल्यू आपके लिए 1, f dash a का वैल्यू आपने ढूंढा है 1/27. That implies cube root of 28 is approximately equal to 27. 81 + 1 = 82/27. Divide and get the answer. Approximately cube root of 28 is equal to 3.037. So आप देख लो, सबसे पहला होता है स्टेप फंक्शन जजमेंट, जो वैल्यू ढूंढना है उसको आप x लिख दो, अपने आप आपका फंक्शन आ जाता है। फाइंड द डेरिवेटिव, a का वैल्यू जज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको क्यूब रूट 28 बोला है, 28 के नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट वैल्यू जिसका क्यूब रूट हमको आता है वो है 27, तो हमारा a 27 हो गया। h की वैल्यू, गिवन वैल्यू जो ढूंढना है, माइनस आपने a लिया, h मिला, f ऑफ a निकालो, f डैश a निकालो एंड यूज दिस फॉर्मूला, दैट्स ऑल, रेस्ट इज प्योर कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, उसमें से भी मैं एक ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 61 डिग्री 2 का फर्स्ट है, यू विल से लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो 61 डिग्री को आप लिखो एक्स, तो फंक्शन हो गया साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, let a is equal to, I'm sure आपको sin 60 की वैल्यू पता है, तो h is equal to 61 given -60 यानी कि 1 डिग्री, बट रिमेंबर आप डिग्री में कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे, तो h का वैल्यू आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको यहां पे देखो दिया हुआ है 1 degree is 0.0175 radians, ये दिया हुआ है,
फाइंड एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 60 डिग्री दैट इज साइन 60. साइन 60 इज रूट 3 अपॉन 2. रूट 3 की वैल्यू है 1.732 डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट आंसर 0.866. एफ डैश ए निकालो, एफ डैश 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री ऑल ऑफ यू नो 1/2 0.5. नाउ बाय डेफिनेशन एफ ऑफ ए प्लस एच दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एच एफ डैश ऑफ ए. That implies f of 61 degree, f of a का वैल्यू है 0.866 h is 0.0175 f dash a is 0.5. This implies F का मतलब होता है साइन 61 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.866 प्लस 0.0875. ओके नाउ कंप्लीट द कैलकुलेशन. सो साइन 61 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5 7 8 plus 6 14 carry 1 6 7 1 7 0.8745. right? आपका आंसर आप देख लो एकदम फिक्स प्रोसीजर है. देयर इज नो चेंज एट ऑल. क्वेश्चन 3 देख लो उसमें से भी हम सिर्फ एक ही करते हैं. टैन इनवर्स 0.999 कर देते हैं फर्स्ट वन. तो 0.999 को आप x ले लो. लेट f ऑफ x इज इक्वल टू टैन इनवर्स x. Find the derivative f dash x 1 upon 1 plus x square. 0.999 के नजदीक मुझे tan inverse 1 ही आता है. okay? तो a की वैल्यू 1, x का वैल्यू 0.999 माइनस दिस 1. दिस इज माइनस 0.001. A मिला H मिला. What is F of A? F of 1 is याद करो tan inverse 1 कितना pi upon 4 radians. F dash A F dash 1 1 upon 1 plus 1 square 1/2 0.5. Now, f of a plus h, याद करो फॉर्मूला. f of a, h f dash of a implies f of 0.999 equals to f of a का वैल्यू देख लो कितना है 5/4. एच की वैल्यू माइनस 0.001 और एफ डैश ए की वैल्यू 0.5. दैट मीन्स टैन इनवर्स 0.999 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस 0.0005 रेडियंस.
हो गया अपना आंसर कंप्लीट। ठीक है डियर, तो आप देख सकते हो जो ओमिट किया कितना आसान सा चीज था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से भी सिर्फ एक ही हम लोग करेंगे। लेट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दिया है, उसमें से क्या करो ई रेस टू एक्स लिखो। ओके, तो इस सेकेंड वाला मैं कर देता हूं, ई रेस टू एक्स, एफ डैश एक्स निकालो, वो भी ई रेस टू एक्स है। ए की वैल्यू 2 ले लो क्योंकि ई स्क्वायर का वैल्यू दिया है, एच 2.1 माइनस 2 0.1। फाइंड एफ ऑफ ए, e square that is given as 7.389, f dash a, f dash 2 again that is e square 7.389. use the formula f of a plus h, f of a, h f dash of a, f of 2.1 is equal to 7.389 h 0.1 into 7.389. this means e raised to 2.1 is approximately equals to 7.389 plus 0.738. That implies e raised to 2.1 equals to 9. 8 plus 9 is 17, carry 1. 8 plus 3, 11 and 1, 12, carry 1. 7 plus 3, 10, not 11. So it is 8.1279. Question number 5, f of x already diya hai, x cube minus 3x plus 5, x cube 3x plus 5, find f dash x, 3x square minus 3, let a is equal to 1.99 के नजदीक 2 है, जिधर आंसर आप फटाफट निकाल सकते हैं। आंसर इज 0.01। गिवन वैल्यू 1.99 है, जो अपने ए का वैल्यू लिया 2, माइनस किया, आंसर एच का मिल गया। फाइंड एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 2, सिंपली 2 क्यूब 3 into 2 plus 5, 2 cube होता है 8, 3 2s are 6 plus 5, the answer is 7. F dash A यानी कि F dash 2, 3 into 2 square minus 3, 12 minus 3, the answer is 9. अब आपका फॉर्मूला यूज करो, f of a plus h approximately equal to f of a, h f dash of a, that implies f of 1.99 is approximately equal to f of a ka value aapko mila 7, h is minus 0.01 into 9, okay, that is approximately equals to 7 minus 0.09, or that is approximately equal to 6.91. Take it here.
ये एक्सरसाइज अपना इसी तरह से. अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था, मैंने फाइव कर दिया. एक क्वेश्चन फाइव का भी देख लो. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ले लो टू द बेस ई एफ डैश एक्स. Absolutely sure it is 1 upon x. अभी log 10 to the base e दिया है, तो a का value 100 ले लो, क्योंकि 10 का square 100 सबसे nearest है जो अपने को आता है. q अगला step में देखना, h की value ढूंढ लो, 101 minus 100 1. f of 100 is equal to log of 100 to the base e. ये 100 को तुम क्या लिख सकते हैं, 10 square to the base e. तो 2 log 10 to the base e, 2 into log 10 to the base e दिया है 2.3026, और इट इज 4.6052. अभी यहां पे ध्यान से देख लो, ये 100 को आपने 10 स्क्वायर यानी log 10 टू द बेस e में कन्वर्ट कर दिया. इसीलिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है ना और वैल्यू नजदीक में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका पावर लेते हो. जैसे अगर मैं 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब कैलकुलेट करते जाऊंगा एंड जो सबसे नियरेस्ट मिलेगा वही वैल्यू में लूंगा, तो 10 का पावर में 100 सबसे नजदीक था. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 100 which was very near to 101. Once you have done this, find what is f dash a. It is simply f dash 100 or it is 1 upon 100. 0.01. F of a plus h approximately equal to f of a. H f dash of a. F of 101, F of A का वैल्यू है 4.6052, H is 1, F dash A is 0.01. So, log of 101 to the base E is approximately equal to 4.6152. That completes your exercise 2.2. देखो बेसिकली उन्होंने एलिमिनेट क्या किया जो बहुत इजी है, एक सिंगल फॉर्मूला पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड था. यू कैन सी इसके अलावा मैंने कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं किया. फंक्शन आपको फर्स्ट स्टेप में एज्यूम करना था, वो क्वेश्चन के अंदर नंबर को इरेडिकेट करो, उसके जगह एक्स लिख दो, एक्स ऑल. ओके, तो अभी इसके बाद अगला जो एक्सरसाइज है वो कौन सा है, रोल्स थ्योरम. ये भी तो है नहीं, चलो कल डिस्कस करेंगे फिर. ठीक है डियर, तो द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल डिस्कस टुमारो.